हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ई लर्निंग विद दुर्गेश में। सीडीपी की स्मार्टफोन क्लास में मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, यह क्लास आपकी आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्वयं जुड़ें और वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए फ्रेंड, क्लास को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। जी हाँ, बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है रटने से, ज्ञान के स्थानांतरण से, अनुभव एवं नवीन अर्थ खोजने से, उपयुक्त में से कोई नहीं। फटाफट आंसर कमेंट करके बताया फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए सही जवाब क्या होंगे? जी हाँ, पूछा जा रहा है आपसे कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार से होती है। फटाफट आंसर कमेंट करके बताइएगा, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताइए फ्रेंड। नवीन ज्ञान की प्राप्ति किससे होती है? सभी साथी फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर का जवाब देंगे। क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? जी हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर आने पर चुके हैं। सी 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 सी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया फ्रेंड। लगभग लगभग सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही हैं। अनुभव एवं नवीन ज्ञान से ही नवीन ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। विकल्प नंबर सी वाले सभी साथियों के जवाब 100% सही है। सी इज द राइट आंसर। सी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब 100% सही है फ्रेंड। जैसे जैसे आप सभी लोग क्लास में जुड़ रहे हैं, सभी लोग वीडियो को एक बार अपनी तरफ से शेयर कर दीजिएगा। सभी को क्लास में, जी हाँ, सभी का क्लास में स्वागत है। सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार। जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाए फ्रेंड, क्लास प्रारंभ हो चुकी है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? संवेगों का प्रबंधन, स्वप्रेरित करना, दूसरे के संवेगों को पहचानना, सजीवों में विभेदन करने की क्षमता रखना। फटाफट बताएं फ्रेंड, ये कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड, क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? फटाफट सभी साथी कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए सही आंसर क्या है? क्या संवेगों का प्रबंधन होगा, क्या स्वप्रेरित करना होगा, क्या दूसरों के संवेगों को पहचानना होगा, या सजीवों में विभेदन करने की क्षमता रखना होगा? जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? फटाफट आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए सभी साथी अपने अपने आंसर कमेंट करें। पूछा जा रहा है कि संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है, संवेगों का प्रबंधन तो तत्व है, स्वप्रेरित करना भी तत्व है, दूसरे के संवेगों को पहचानना यह भी तत्व है, जो नहीं है फ्रेंड वह विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसका संबंध संवेगात्मक बुद्धि से नहीं है, बाकी सभी का संबंध संवेगात्मक बुद्धि से है, इसीलिए विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपके कमेंट में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो रहा है लगता है। जी हाँ, विकल्प नंबर डी दरा टाइम पर, विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिरूप, जी हाँ, एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिरूप जिन्होंने दिया वे हैं, जी हाँ फ्रेंड, एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिरूप जिन्होंने दिया उनका नाम है पियाजे, आस्वेल, रिचर्ड सचमैन या जॉन ड्यूई। जी हाँ, पूछा जा रहा है एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिरूप, जल्दी से बताइए किस मनोवैज्ञानिक ने एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल प्रस्तुत किया था? एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? कमेंट के माध्यम से जवाब दीजिए फ्रेंड, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? पियाजे, आस्वेल, रिचर्ड सचमैन, जॉन डेवी। फटाफट इस क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए सभी साथी कमेंट सेक्शन में अपने आंसर कमेंट करेंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए सही जवाब क्या होंगे? जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही जवाब क्या है? चलिए, संख्या आपकी कम हो रही है फ्रेंड, लगता है वीडियो को हम लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। वीडियो को शेयर करिए जल्दी जल्दी। कमेंट सेक्शन जवाब दीजिए क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ, विकल्प नंबर डी और ए, अभी तक कमेंट आ रहा है, बी भी कमेंट आ रहा है, तो बी वाले साथियों के जवाब सही हैं। जो लोग बी कमेंट कर रहे हैं उनके जवाब सही हैं। आसुवेल का यह थियरी है, यह मॉडल है एडवांस ऑर्गेनाइजेशन प्रतिरूप, विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुदेशन सामग्री नहीं है? छपी सामग्री, ट्रांसपेरेंसी, ओवरहेड प्रोजेक्टर या ऑडियो कैसेट। बता फ्रेंड, कौन सी अनुदेशन सामग्री नहीं है? छपी सामग्री, ट्रांसपेरेंसी, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ऑडियो कैसेट। फटाफट आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ के लिए सही जवाब क्या है? जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर फोर्थ के लिए अपने अपने आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सही जवाब क्या है? देखिए भैया, अनुदेशन सामग्री नहीं है, छपी सामग्री है या अनुदेशन सामग्री है, यह इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ट्रांसपेरेंसी भी है, यह भी है, ऑडियो कैसेट भी है, जो नहीं है फ्रेंड वह है विकल्प नंबर सी। ओवरहेड प्रोजेक्टर
अनुदेशन सामग्री नहीं है, प्रोग्राम लर्निंग की जो आपका मटेरियल होता है उससे संबंधित नहीं है, इसलिए विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आत्मसंप्रेषण को कहते हैं, आत्मसंप्रेषण को कहते हैं समूह संप्रेषण, जन संप्रेषण, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण या इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड, समूह संप्रेषण सॉरी आत्मसंप्रेषण को क्या कहते हैं, आत्मसंप्रेषण को किस प्रकार के संप्रेषण की संज्ञा देते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को आई होप आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। इस क्वेश्चन के लिए सभी साथियों के आंसर 100% सही होने चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बेहद सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, इसलिए आप सभी के जो जवाब होने चाहिए वो 100% सही होने चाहिए। जी हाँ, लग भी ऐसा रहा विकल्प नंबर सी 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 सी, बहुत बढ़िया, सी द राइट आंसर, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण इसका बिल्कुल सही जवाब है। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, सी कमेंट करने वाले सभी साथियों के आंसर 100% सही हैं। जी हाँ, सी द राइट आंसर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्नलिखित प्रकार, जी हाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्नलिखित प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जाता है, दृश्य एक तरफा, दृश्य श्रव्य एक तरफा, दृश्य श्रव्य दो तरफा और दृश्य श्रव्य दो तरफा। जी हाँ, पता फ्रेंड कह रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जाता है। बिल्कुल सिंपल, आप सभी लोग जानते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से चेहरा देखकर बात करता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप सभी लोग समझ रहे हैं कि देख भी पाता है सुन भी पाता है। जी हाँ फ्रेंड, देख भी पाता है और सुन भी पाता है, इसका मतलब हो जाएगा कि दृश्य और श्रव्य दो तरफा, जी हाँ, दोनों तरफ से व्यक्ति आपस में एक दूसरे को देख सकते हैं तथा बातचीत कर सकते हैं, इसलिए विकल्प नंबर सी को बिल्कुल सही जवाब मानते हुए आगे बढ़ेंगे। सी द राइट आंसर, सी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब सही हैं। सूचना संप्रेषण में सम्मिलित है, सूचना संप्रेषण में सम्मिलित है ऑनलाइन सीखना, वेब आधारित सीखना, एडुसेट के माध्यम से सीखना या उपयोग सभी। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड कि सूचना संप्रेषण तकनीक में सम्मिलित है, क्या सूचना संप्रेषण में सम्मिलित में है। फटाफट आंसर कमेंट करके बताएं कि सूचना संप्रेषण में क्या सम्मिलित है। जल्दी जल्दी सभी साथी आंसर कमेंट करके बताएं। जी हाँ, बिल्कुल आंसर आने प्रारंभ चुके हैं, डी डी डी। जी हाँ, राकेश गुप्ता जी का आंसर आ गया है विकल्प नंबर डी। आप लोग सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार, लगता है संख्या आज आपकी बहुत कम है फ्रेंड, संख्या आई होप पिछले क्लास से काफ़ी कम है, ऐसा लगता है कि वीडियो को शेयर नहीं किया गया है। फिलहाल आप लोग अपने तरीके से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यह क्लास आपके आगामी सभी भर्ती परीक्षा जिसमें रीट, KVS, DSSB, उसके बाद आपका जूनियर सॉरी प्राइमरी सुपर टेट, यूपी टेट, इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए भाई, आपका ही नाम ले लेते हैं चांदनी मौर्या जी, आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब क्या होंगे। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी के आंसर आने प्रारंभ चुके हैं, कुछ लोग सी है कुछ लोग कमेंट, डी वाले साथियों के जवाब सही हैं, डी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब सही भैया, कि ऑनलाइन सीखना भी इसमें सम्मिलित होता है, वेब आधारित सीखना भी सम्मिलित होता है तथा एडुसेट के माध्यम से भी सीखना सम्मिलित किया जाता है, इसीलिए विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, अधिगमकर्ता की व्यक्तिक भिन्नताएं प्रदर्शित करती हैं अंतर शिक्षक को, अधिगमकर्ता की व्यक्तिक भिन्नताएं प्रदर्शित करती हैं, अतः शिक्षक को परीक्षाओं की संख्या बढ़ानी चाहिए, कठोर अनुशासन लागू करना चाहिए, विविध अधिगम अनुभव कराने चाहिए, अधिगम को समान गति पर बल देना चाहिए, अधिगम की समान गति पर बल देना चाहिए। बताइए फ्रेंड कि अधिगमकर्ता की व्यक्तिक भिन्नताओं को प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए। चलिए सी 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 सी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया फ्रेंड, विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, कि भैया जब आपकी कक्षा में भिन्न भिन्न व्यक्ति अधिगम वाले बालक हों तो उनके सिखाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के अधिगम अनुभव को उपलब्ध कराकर आप उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, इसलिए विकल्प नंबर सी इसका भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सूझ द्वारा सीखने के समाकृतिवाद के प्रवर्तक थे वर्दीमर कोप्ता एंड कोहलर, कोप्ता थान राय कोहलर, कोप्ता कोहलर फ्रायड, वर्दीमर फ्रायड कोहलर। विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। सूझ द्वारा सीखने का जो सिद्धांत है उसका नाम है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत या इनसाइट थियोरी ऑफ लर्निंग, समग्राकृति का सिद्धांत, पूर्णाकृति का सिद्धांत, यह कुछ नाम है आपके गेस्टाल्टवादी सिद्धांत का।
वर्दीमर सिद्धांत के जनक हैं। कोहला प्रयोग करता है और जबकि कोहला प्रयोग करता है जबकि कोप्ता उनके सहयोगी हैं। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का, जी हाँ विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, ए इज द राइट आंसर। ए कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब सही हैं। शिक्षा मनोविज्ञान है एक मानव विज्ञान, एक अनुपयुक्त विज्ञान, एक विशुद्ध विज्ञान है, उपयुक्त में से कोई नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है फ्रेंड, फटाफट आंसर कमेंट करके बताएं कि शिक्षा मनोविज्ञान एक किस प्रकार का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान एक किस प्रकार का विज्ञान है, आंसर नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 के लिए सभी साथी फटाफट कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या है। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताइए भाई। काफ़ी सारे साथी बहुत विलंब से क्लास में जुड़ रहे हैं, उन सभी का क्लास में स्वागत करता हूँ। आप सभी का स्वागत है, देरी से आप लोग आए हैं, टाइम से क्लास से जुड़िए तभी सारे क्वेश्चन आप अटेंड कर पाएंगे और वीडियो के लास्ट में अपनी स्कोर को कमेंट कर पाएंगे। जी हाँ, पूछा जा रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार का मनोविज्ञान, क्या मानव मनोविज्ञान है, क्या अनुपयुक्त मनोविज्ञान है, क्या विशुद्ध विज्ञान है, क्या उपयुक्त में से कोई नहीं है। चलिए भाई, बी आंसर आया है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जो कि बिल्कुल सही है, एक प्रकार का अनुपयुक्त विज्ञान है शिक्षा मनोविज्ञान। सभी साथी आंसर कमेंट करके बताएंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक को किसने लिखा है, शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक को किसने लिखा है। चलिए भाई, तब से अगला हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 11 वाला कि मानव विकास परिणाम है आर्थिक कारकों का, वंशागत तथा वातावरणीय कारकों का, धार्मिक कारकों का तथा अभिप्रेरणीय कारकों का। फटाफट बताएंगे फ्रेंड। जी हाँ, आंसर आना प्रारंभ हो चुका है। जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है कि एजुकेशन साइकोलॉजी को लिखा है एडवर्ड एल थान राइक दी जाए, जी हाँ एडवर्ड एल थान राइक इसके बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए अपने आंसर कमेंट सेक्शन टाइप करिए क्या इसका सही जवाब, मानव विकास क्या है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बी इज द राइट आंसर, बी भी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। वंशागति तथा वातावरणीय कारकों का प्रभाव है मानव विकास, क्योंकि बराबर मात्रा में वंशागति तथा वातावरण का प्रभाव देखने को मिलता है, इसलिए कह सकते हैं एक मानव के विकास में वातावरण तथा वंशानुगति के अंतःक्रिया के माध्यम से बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम संस्थितियों से, उपयुक्त सभी से। एजुकेशन साइकोलॉजी का संबंध किससे है, एजुकेशन साइकोलॉजी का संबंध किससे है। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए सभी साथी फटाफट आंसर कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता से संबंधित है, अधिगम प्रक्रिया से संबंधित है, अधिगम की समस्त स्थितियों से संबंधित है तथा इसका जवाब जो हो जाएगा विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। डी कमेंट करने वाले लगभग लगभग सभी साथियों के जवाब 100% सही हैं, क्योंकि इसका जो जवाब होगा वह उपयुक्त सभी होगा। श्रृंखला अधिगम संबंधित है, जी हाँ श्रृंखला अधिगम का संबंध है टॉलमैन से, थॉर्नराइक से, गेगनी से या ब्रूनर से। बता फ्रेंड, श्रृंखला अधिगम से संबंध किसका है, श्रृंखला अधिगम से संबंध किसका है। श्रृंखला अधिगम से संबंध किसका है फ्रेंड। चलिए, बी 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 कमेंट आ रहा है, बी भी कमेंट आ रहा है, ए भी कमेंट आ रहा है। थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन फ्रेंड, श्रृंखला अधिगम या सीरीज लर्निंग से जिसका संबंध है फ्रेंड हुआ है विकल्प नंबर सी, गेगनी जी। जी हाँ, विकल्प नंबर 30 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, थोड़ा सा नया क्वेश्चन है। इसको सीरीज लर्निंग का संबंध गेगनी से है, विकल्प नंबर 30 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। किशोरावस्था बड़े दबाव तनाव तथा तूफान व संघर्ष की अवस्था है, कहाँ है, कॉल ने, विलियम मैकडुअल ने, स्टेनली हॉल ने या ब्रिक्सन ने। तो बार बार यही क्वेश्चन फ्रेंड पूछा जा रहा है आपसे, तो आप तो इसकी एकदम बिल्कुल से परिपक्व हो चुके हैं, बिल्कुल आदि हो गए हैं, आप तुरंत स्टेनले हॉल को ढूंढेंगे, जवाब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, स्टेनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था बड़े दबाव तनाव तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है, विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। एडोलसेंस मतलब किशोरावस्था का जनक कहा जाता है स्टेनले हॉल को। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था एडोलसेंस, जो 1912 में प्रकाशित हुई थी। विकल्प नंबर 30 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का प्रतिपादन करने वाले थे जॉन डेवी, कोहलर, विलियम जोन्स, जे बी वाटसन।
जल्दी से बताएं फ्रेंड, किसने मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का समर्थन किया था कि जो आधुनिक मनोविज्ञान है वह व्यवहारवाद को धारण किए है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वाटसन, स्कीनर, खान राइक, ये सभी जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने माना था कि जो वास्तविक समय जो वर्तमान मनोविज्ञान का स्वरूप है वह व्यवहारवाद पर आधारित है, इसलिए विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। शिक्षक कक्षा कक्ष में प्रयास करता है, शिक्षक कक्षा कक्ष में प्रयास करता है कि विद्यार्थियों को अनुभव प्रदान करने का, विद्यार्थियों को चिंतन का अवसर प्रदान करने का, विद्यार्थी को सहायक अधिगम वातावरण देने का उपयोग सभी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड ये, आई होप आप सभी के जवाब 100% सही होने चाहिए, क्योंकि इससे सिंपल अभी तक सीरीज में आया नहीं है। क्योंकि भैया जो शिक्षक होता है उसका काम विद्यार्थी को अनुभव प्रदान करना भी होता है, विद्यार्थियों को चिंतन का अवसर देना भी होता है, विद्यार्थियों को सहायक वातावरण देना भी जरूरी होता है। इसका मतलब विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। डी कमेंट करने वाले लगभग सभी साथियों के जवाब 100% सही हैं। डी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? वाटसन व्यवहारवाद, जॉन डेवी संरचनावाद, जीन पियाजे संज्ञानात्मकवाद, वर्दीमर आपके गेस्टाल्टवाद। या फ्रेंड कौन सा विकल्प यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए कमेंट क्षेत्र में जाइए और अपने अपने आंसर कमेंट करके बताइए कि कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है। वाटसन व्यवहारवाद बिल्कुल सही है। जॉन डेवी का संबंध संरचनावाद से नहीं फ्रेंड बल्कि प्रयोजन से वाद से है। जी हाँ, प्रयोजनवादी हैं जॉन डेवी, इसलिए विकल्प नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संरचनावाद से संबंध है फ्रेंड जेरोम ब्रूनर का। संरचनावाद की जो थियरी दी है फ्रेंड वह ब्रूनर ने दी है, जॉन डेवी ने दी है। जॉन डेवी की बहुत फेमस पुस्तक है फ्रेंड, उसका नाम याद रखिएगा, द स्कूल एंड सोसाइटी। द स्कूल एंड सोसाइटी यह है जॉन डेवी की बड़ी ही फेमस पुस्तक है, इसका नाम याद रखिएगा आप लोग। जॉन डेवी प्रयोजनवादी हैं, इसलिए विकल्प नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जीन पियाजे संज्ञानात्मक सही है। कोर्दिमर क्रिस्टालवादी यह भी बिल्कुल सही है। विकल्प नंबर 20 द राइट आंसर। 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। यह फ्रेंड हमारी संस्था द्वारा सुपर टेट के एनसीईआरटी बेट जो है नोट्स आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। इस नोट्स के लिए बस हल्का सा काम आपको करना है, ये नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस नंबर पे आपको कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सुपर टेट के एनसीईआरटी बेट नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं फ्रेंड। मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है सहनशीलता, सामंजस्य की योग्यता, आत्मविश्वास, अपरिपक्वता। यह फ्रेंड कौन सा आपके मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, फटाफट आंसर कमेंट करके बताएं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। देखिए सहनशीलता तो मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है, सामंजस्य की योग्यता भी मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है, आत्मविश्वास भी मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है। जो नहीं है फ्रेंड वह विकल्प नंबर विकल्प नंबर डी आई। परिपक्वता का संबंध मानसिक स्वास्थ्य से नहीं होता है, इसलिए विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। डी इज द राइट आंसर। डी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब 100% सही हैं। डी इज द राइट आंसर फ्रेंड। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अपरिपक्वता का मतलब होता है फ्रेंड कि ऐसे बालक जो सामाजिक, शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक तथा संवेगात्मक रूप से परिपक्व नहीं होते हैं, अर्थात पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं, इसलिए विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। शिक्षण का वह प्रतिमान जिसका सर्वाधिक प्रयोग भाषा तथा व्याकरण के शिक्षण हेतु है वह है आगमन प्रतिमान, संप्रत्यय तथा संप्राप्ति प्रतिमान, परीक्षा प्रशिक्षण, विकासात्मक प्रतिमान। फटाफट बताएं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 20 और आज के सीरीज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि शिक्षण का वह प्रतिमान जिसका सर्वाधिक प्रयोग भाषा व व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी है वह है आगमन प्रतिमान है, संप्रत्यय या संप्राप्तिक प्रतिमान है, परीक्षा से प्रशिक्षण है या विकासात्मक प्रतिमान है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 20 के लिए अपने अपने आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या है, फटाफट क्वेश्चन नंबर 20 के अपने अपने आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या है, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या है? जी हाँ, बिल्कुल विकल्प नंबर बी वाले साथियों के जवाब बिल्कुल सही हैं, संप्रत्यय या संप्राप्तिक प्रतिमान। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। डी इज द राइट आंसर फ्रेंड। तो ये था फ्रेंड आज का आपका कंप्लीट क्लास। आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा।
वीडियो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। आप सभी लोग वीडियो के अंत में अपने अपने स्कोर कमेंट करिए, कितने क्वेश्चन आपने सही अटेंड किए। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड